एके अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको डाइकिन के वन टन एसी जो कि स्प्लिट एसी है और फिक्स स्पीड वाला एसी है यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं और रिमोट में कौन सा बटन कैसे काम करता है ये समझाने का प्रयास करूंगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये इंडोर यूनिट दिख रही है। ये इंडोर यूनिट डाइकिन वन टन नॉन इन्वर्टर एसी की है। तो इंडोर यूनिट के अगर आप नीचे से देखें तो ये फ्लैप आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फ्लैप है। इस फ्लैप के पास में सबसे ऊपर ये एक मिल्की कलर की फेस वाली एक विंडो बनी हुई है जो कि रिमोट से जो सिग्नल आता है उसको सेंस करती है। उसके नीचे एक एलईडी लगा हुआ है जो कि अंदर ही है, ऊपर उभरा हुआ नहीं है। तो ये ग्रीन चलेगा जब आप एसी को ऑपरेट करेंगे, तो ये एसी ऑपरेशन में काम आएगा। और इसके नीचे दूसरा जो एलईडी लगा हुआ है ये आपका जब टाइमर काम आएगा, और इसका कलर होगा ऑरेंज और ऊपर वाले का होगा ग्रीन। और नीचे वाला जो एक स्विच दिख रहा है इस पर लिखा है ऑन ऑफ। यदि आपका रिमोट मिसप्लेस हो जाए तो इस स्विच की सहायता से एक बार प्रेस करेंगे तो एसी ऑन हो जाएगा और दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और उसके नीचे ये एक और एक विंडो बनी हुई है जो कि रूम टेम्परेचर को सेंस करने के लिए काम आ रही है। इसका आपको कोई यूज सीखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप एक फंक्शन है जिसके लिए विंडो दिख रही है। अब हम रिमोट देख लेते हैं, रिमोट की हेल्प से हम कैसे इसको ऑन करेंगे। अब आपके स्क्रीन के ऊपर इसका रिमोट नजर आ रहा है। रिमोट का नंबर देख लीजिए आप, ARC484B9। अब इसके अंदर डिस्प्ले को अगर आप देखें गौर से तो डिस्प्ले के ऊपर जो है आपका 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिख रहा है। और उसके नीचे आपका अगर यहां देखें तो ये फैन मोड दिखा रहा है, यानी फैन दिखा रहा है। और फैन की कुछ ये जो साइज है, ये जो वर्टिकल बार्स बनी हुई है ये इसकी स्पीड को सेंस कर रहे हैं, स्पीड बता रहे हैं। और ये मोड दिखा रहा है आपका कूल मोड, तो अभी ये कूल मोड में पड़ा है यानी ऑफ पोजिशन, अभी एसी आपका चल नहीं रहा है। इसके अलावा रिमोट के ऊपर बटन ऑन ऑफ, ये एसी को ऑन और ऑफ करने के, एक बार इस बटन को प्रेस करेंगे तो एसी ऑन हो जाएगा और उसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो एसी आपका ऑफ हो जाएगा। इसके इधर जो है वो एक बटन लगा जिसके लिखा पावर चिल, और इसका सिंबल भी जो बना हुआ है जब एसी को चलाएंगे आप पावर चिल मोड में तो ये आपको सिंबल स्क्रीन पर, ये सभी चीजें आपको रिमोट के स्क्रीन पर नजर आएंगी। इस डाइकिन एसी के अंदर आपका कोई भी जो है ये इंडिकेशन जरूर दिखाई देंगे, अदरवाइज आपके इसके ऊपर डिस्प्ले आपको जैसा यहां दिख रहा है वैसा ही आपका इस टाइप का डिस्प्ले कोई डाइकिन के इंडोर यूनिट पर नजर नहीं आएगा। ये मोड वाला स्विच है, हर बार जब मोड को प्रेस करेंगे तो मोड सीक्वेंशियली आपका पहला मोड, फिर दूसरा मोड, फिर तीसरा मोड। पहली बार दबाएंगे तो पहला मोड आएगा, दूसरी बार दबाएंगे दूसरा मोड आएगा, फिर तीसरा मोड आएगा, उसके बाद वापस हुई पहला दूसरा तीसरा, तीन मोड्स में काम करता है। कौन कौन से मोड है मैं दिखा देता हूं आपको। ये सबसे पहले आपका जो है वो फैन मोड है दिख रहा है, जैसे फैन मोड के बाद में आपका ये सिंबल दिख रहा है, ये ड्राई मोड, ये आपका कूल मोड। कूल मोड में अभी ये, तो कूल मोड में आपका स्क्रीन पर कैसे नजर आएगा ये देख सकते हैं आप। इसमें बैकलिट नजर नहीं आ रहा, तो कूल मोड में ये। उसके बाद इकोनॉमी मोड है, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए नीचे वाला, नीचे की साइड में प्रेस करेंगे ये टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 21 हो गया, ये 20 हो गया, बढ़ाएंगे तो 21-22 टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के लिए। ये फैन आपकी फैन की स्पीड सेट करने के लिए, ये हाईएस्ट स्पीड है, ये आपका ऑटो मोड में है। उसके बाद आपका फिर लो, मीडियम, हाई, हर बार प्रेस करेंगे तो स्पीड आपकी मैक्सिमम जाकर, फिर आपकी हुई ऑटो, फिर मिनिमम, मिडल और हाई।
ये आपका स्विंग मोड है, यानी हॉरिजेंटल फ्लैप को जो हवा की जो एयर फ्लो को जो आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए स्विंग मोड यूज करते हैं, स्पीड चेंज करने के लिए फैन और डायरेक्शन के लिए स्विंग। तो ये इसके मेन बटन है। अब मैं आपको ऑपरेशन दिखा देता हूं इसका। अब मैं आपको ऑपरेशन दिखा रहा हूं, ये रिमोट, रिमोट के ऊपर देख लीजिए आप, अभी टेम्परेचर आपका दिखा रहा है ये 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है और फैन की स्पीड भी दिखा रहा है। इधर आप देखेंगे तो ये आपका दिख रहा है कूल ऑपरेशन में, यानी जब आपका एसी ऑन नहीं किया गया है उस टाइम इसकी पोजिशन क्या थी, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फैन की स्पीड हाइएस्ट और ये आपका मोड, मोड के लिए ये सिंबल दिख नजर आ रहा है, ये सिंबल किसका है, कूल ऑपरेशन का। तीन मोड, तीन ऑपरेशन पर काम करता है, ड्राई, कूल एंड फैन। ड्राई मोड आप तब यूज करेंगे जब आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो बरसात के दिनों में, तो उसमें आपका टेम्परेचर सेट नहीं होगा, अपने आप ही टेम्परेचर सेंस करेगा। टेम्परेचर सेटिंग आपकी किसमें होगी, कूल मोड में, यानी बाहर के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हो तो उसको अंदर का टेम्परेचर आप अपनी सुविधा से 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस की रेंज के अंदर सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट टेम्परेचर सेटिंग इसकी 24 डिग्री सेल्सियस होती है, 24 डिग्री सेल्सियस। तब मैं इसको ऑन करता हूं, अगर आप देखें मैंने इसको ऑन एक बार प्रेस किया, अब आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर ग्रीन जलने लगा, तो ये ब्लिंक करने के बाद जलेगा। इसको ऑफ करता हूं, दो बार ब्लिंक किया और ये ऑफ हो गया। अब मैं ऑन करता हूं इसको, यहां से इसको ऑन कर रहा हूं, बस पैरेलली आपको वहां इंडिकेटर दिखा रहा हूं, ये मैंने ऑन किया, ये दो बार ब्लिंक करके आपका ये ग्रीन जल गया। ग्रीन जलने का मतलब है कि आपका एसी का ऑपरेशन शुरू हो गया। अब इसमें देखेंगे ऑन लिखा हुआ आएगा, अगर आप देखें इसको ये ऑन लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी एसी आपका ऑन है। ये आपका कूल मोड में, मोड भी चेंज करके दिखा देता हूं, मोड ये आपका फैन मोड, ये ड्राई मोड, ये कूल मोड, कूल में टेम्परेचर नजर आ रहा है। एक चीज आपने ध्यान की होगी, मैंने इसका टेम्परेचर ऑफ पोजिशन में 22 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ था, तो जैसे ही आप इसको एसी को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट टेम्परेचर 24 पर ले आएगा, 24 डिग्री सेल्सियस पर ले आएगा, यानी इसका टेम्परेचर 18 से लेकर के 23 तक अगर आपने रखा हुआ है ऑन करने से पहले, तो ये अपने आप 24 पर स्टार्ट करेगा। उसके बाद अगर आपको टेम्परेचर कम ज्यादा करना है तो यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी टाइप के से फैन की स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये मिनिमम मैक्सिमम और ये ऑटो मोड में, ऑटो मोड में ये नजर आ रहा है यहाँ लिखा हुआ। यहाँ आपको अब दिख रहा है स्क्रीन पर ये ए ऑटो मोड है। तो इस टाइप से आपको टेम्परेचर सेट करना, मोड सेट करना और फैन की स्पीड कम ज्यादा करना और स्विंग के अंदर आपको, अगर स्विंग मैंने प्रेस कर दिया तो ये सिंबल नजर आ रहा है, ठीक है। जब भी आपका हम कोई ऑपरेशन चेंज करेंगे तो आपका डिस्प्ले जो है ग्रीन एलईडी आपका ब्लिंक करेगी, तो ये सिंबल नजर आ रहा है, इसका मतलब आपको ये स्विंग करेगा। और ये स्विंग को मैं ऑफ करता हूं तो आपका ये फिक्स स्पीड पर हो जाएगा। जब ये स्विंग कर रहा है तो जिस स्पीड पर आपको फिक्स करना है वहां फिक्स कर सकते हैं। तो स्विंग मोड अभी स्विंग करना शुरू कर दिया, अगर आप देखें अभी स्विंग कर रहा है। जो पोजीशन पे आपको ये फ्लैप सही लगते हैं वहां आप फिक्स कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको अगर ऑफ कर दूं स्विंग को, अभी आप देख रहे हैं अभी स्विंग कर रहा है, ये मैंने इसको स्विंग को प्रेस किया, अब ये स्टेबल हो, ब्लिंक किया अब ये स्टेबल हो गया, अब ये मूव नहीं कर रहा। इसी टाइप से अंदर के जो फ्लैप्स हैं, यानी वर्टिकल फ्लैप इसके अंदर नजर आ रहे हैं, इनको भी चेंज कर सकते हैं यहां से। ये आपको एसी ऑफ पोजीशन में इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं वर्टिकली, ये बिल्कुल सीधे रखने चाहिए जनरली, और हॉरिजेंटल को अगर फिक्स करें तो फिक्स कर लें और मूवमेंट करें तो मूवमेंट कर लें। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको डायकन 1 टन स्प्लिट एसी जो कि नॉन इन्वर्टर टाइप है, इसका बेसिक ऑपरेशन के बारे में बताने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें, इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।